तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो चीज होता है जो जहां पे जेसन मैक्सिमम काम आएगा। एक तो कोई भी कॉन्फिग फाइल के लिए डेटा स्टोर करना, मतलब सेटिंग स्टोर करना, और दूसरा डेटा लेना और देना एपीआई से सर्वर को। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि जेसन फाइल कैसे बना सकते हैं। जेसन फाइल कॉन्फिग फाइल के लिए भी बन सकता है या फिर आप डेटा स्टोर करने के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो कॉन्फिग फाइल बनता है वो भी जेसन फाइल में ही रहता है, और अगर आप डेटा स्टोर कहीं पे कर रहे हो एज अ फाइल तो वो भी जेसन फाइल में हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जेसन फाइल बनाते हैं। और फाइल क्या है, जेसन फाइल कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हमारा जेएस ट्यूटोरियल का फोल्डर है उस पे एक नया फाइल क्रिएट करना है, और उसका कुछ भी नाम रख सकते हो। मान लो आप रखना चाहते हो डेटा, और जेसन फाइल का एक्सटेंशन होता है जेसन ही होता है, डॉट जेसन, JSON। ये हमारा जेसन फाइल बन के रेडी है। अब हम लोग बात ये करते हैं, मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जेसन फाइल है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग स्टोर रख सकते हैं एज अ जेसन फॉर्मेट में, या फिर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दो काम हम लोग कर सकते हैं। तो डेटा स्टोर कैसे करते हैं ये अभी हम लोग देखते हैं, या सेटिंग स्टोर कैसे करते हैं वो भी बात बराबर ही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि जेसन जो हमने बताया है कि जेसन का क्या होता है, कि जावास्क्रिप्ट जैसा ही नोटेशन होता है। तो देखो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हो, आप क्या करते हो, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हो, ऑफ करते हो, और वहां पे लिखते क्या हो, नेम, और फिर क्या करते हो, कॉलन देते हो, और उसके बाद वहां पे आप डबल कोट में वैल्यू देते हो, जैसे विश्वजीत मुझे टाइप करना है तो मैंने विश्वजीत टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, यही था आपका ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का। जेसन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस इसमें क्या करना होता है कि जो आपने यहाँ पे नेम भी दिया है इसको भी आप क्या करोगे, डबल कोट में रखोगे। ठीक है, सिंगल कोट यूज नहीं करना है, हमेशा जेसन फाइल में डबल कोट ही यूज करना है, राइट। ये तो आपने देखा कि जेसन बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट के जैसा ही है, बस चेंजेस मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आप क्या दोगे कि डबल कोट में रहेगा नेम वाला भी, वैल्यू तो रहेगा ही नेम भी रहेगा, वैल्यू अगर न्यूमेरिकल है तो वो डबल कोट में नहीं होगा, वो मैं भी आपको आगे चल के बता दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, अभी मैं कंपैरिजन करवा रहा था कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या डिफरेंस है। अब इसी तरीके से मान लो आगे एक और चीज स्टोर करना है, मान लो एज स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप कॉमा दोगे, उसके बाद लिखोगे एज, फिर एज, लेकिन वो भी डबल कोट में होना चाहिए। ठीक है, और नेम वैल्यू पेयर, और उसके बाद मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये डबल कोट में नहीं होगा, वहां पे मान लो न्यूमेरिकल है तो ऐसे कर दिया आपने, और इसको सेव कर दिया। ये देखो हमारा जेसन डेटा स्टोर हो चुका है, यही है जेसन डेटा। ठीक है, अब ये एक लाइन में है तो ये एज अ स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारा डेटा रहेगा तो उसको एक लाइन में रखना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऑल्दो ये एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडेंट करके अच्छे से रखेंगे। इंडेंट करने का तरीका क्या है मैं वो आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, इसको बंद करो, पहले कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ किया, इसको दोनों को अलग लाइन में ले लो, उसके बाद यहाँ पे हर नेम वैल्यू पेयर के लिए अलग लाइन आप लोग रखेंगे। जैसे देखो अभी नेम रखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम कॉलन, और फिर यहाँ पे डबल कोट लिया, यहाँ पे भी मुझे डबल कोट ऑफ करना था, और यहाँ लिखेंगे हम लोग विश्वजीत। ठीक है, कर दिया। अब अगर एक वैल्यू है या लास्ट वैल्यू है तो कॉमा डालने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद कोई वैल्यू है तो आपको कॉमा डालना है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे एज चाहिए था, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज लिखा, उसके बाद फिर से कॉलन देते हैं, और उसके बाद वैल्यू, अब की बार न्यूमेरिकल है तो कोई भी कोटेशन लेने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू डालो, मान लो 25 डालना है, डाल दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट वैल्यू लेना है मुझे तो भी मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर वैल्यू में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना सिखाऊंगा। जैसे देखो पहले लाइन में मैंने क्या सिखाया, ये विश्वजीत एक स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिया आपने, और इसके बाद आपका एज क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसके लिए कोई कोटेशन का जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मान लो बुलियन वैल्यू स्टोर करना है तो उसको कैसे करेंगे आप लोग, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट इज अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, मतलब कि वो स्टूडेंट है या नहीं, तो ट्रू या फॉल्स ही होगा, तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, बुलियन वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ट्रू, और इसको कोई भी कोट में नहीं लेना है, बुलियन वैल्यू भी किसी कोटेशन में नहीं जाएगा, राइट। उसके बाद एक और चीज हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो है नल वैल्यू, किसी चीज का अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको नल वैल्यू दे देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आप अगला पैरामीटर हो सकता है पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे कॉलन दिया। अब इस मान लो मेरे पास पासपोर्ट है ही नहीं तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर कहाँ से आएगा, तो उसके जगह पे हम लोग डाल सकते हैं नल। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक एरे भी स्टोर कर सकते हो। एरे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी अंडरस्कोर लैंग, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको क्या क्या आता है, विश्वजीत को क्या क्या आता है,
तो एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आ सकता है, तो ऐसा डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी एरे यूज कर सकते हैं। एरे कैसे बनाते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल एरे बनाते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से, उसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। और वैल्यू देने के लिए डबल कोट यूज करो, फिर सी मान लो, फिर दूसरा मान लो सी प्लस प्लस है तो मैंने सी प्लस प्लस कर दिया, फिर और भी डालना है तो कॉमा डाला, फिर यहाँ पे लिखा जावा, फिर और भी अगर आपको करना है कॉमा देते जाओ और लिखते जाओ पाइथन। ठीक है, ये देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोर एक एरे को स्टोर किया। अच्छा अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको बताया था ना कि ये एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और ऑफ हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, ये आपको जावास्क्रिप्ट में भी दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। तो चलो एक ऑब्जेक्ट स्टोर करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्योंकि नेक्स्ट हमें कोई डेटा लेना है तो यहाँ पे फिर कॉमा दिया और यहाँ पे नीचे आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेंगे, तो एड्रेस स्टोर करो एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस को हम लोग क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे ये देखो, क्योंकि एड्रेस में दो चीज या तीन चीज हो सकता है, पहला सिटी हो सकता है, तो सिटी अपने आप में एक नेम वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो सिटी हमने लिया और यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, और मान लो यहाँ पे फिर अब हम लोग ले लेते हैं स्टेट, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं न्यू दिल्ली या कुछ ऐसा लिख देते हैं न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरीके से मान लो पिन कोड डालना है तो यहाँ पे पिन कोड, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 11100011। ठीक है, ये देखो, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली दो काम करके दिखाया है, फर्स्ट कि कैसे एक जेसन डेटा बनता है और कैसे स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा कि कितने टाइप ऑफ डेटा हम लोग एक जेसन डेटा में रख सकते हैं। तो देखो जो पहला था हमारा वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, नेम, यहाँ पे विश्वजीत जो है स्ट्रिंग कैसे स्टोर किया देख लिया आपने। फिर जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू कर रहे हो तो किसी भी तरह का कोटेशन लेने का जरूरत नहीं है, जब आप बूलियन वैल्यू कर रहे हो तो भी कोई कोट लेने का जरूरत नहीं है, जब आप नल वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो भी कोई कोट लेने का जरूरत नहीं है, और एरे आप जैसे नॉर्मल एरे बनाते हो जावास्क्रिप्ट में उस तरीके से कर सकते हो, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एड्रेस एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों बनाया ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अगर एड्रेस को स्ट्रिंग बना देते ना तो सिटी स्टेट और पिन कोड तीनों एक लाइन में हो जाता और हम लोग अलग अलग फेच नहीं कर पाते कि विश्वजीत की सिटी से है क्या पिन कोड है क्या स्टेट है, तो ये तीनों अलग अलग हमें चाहिए था डेटा। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि इसको एक ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग वैल्यू में स्टोर करा दिया ताकि फेच करना आसान हो, अगर एक लाइन में लिख देते तो सिटी कौन सा है कौन सा स्टेट है ये डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता हम लोगों के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक जेसन डेटा स्टोर कर सकते हो। अब याद रखने वाली बात ये है कि सिंगल कोट यूज नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, लास्ट जो डेटा होगा जैसे एड्रेस के बाद मुझे कुछ स्टोर नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नहीं दिया है कॉमा, लेकिन अगर जैसे ही नेक्स्ट डेटा होगा तो उससे पहले एक कॉमा आपको लगाना है, ठीक है, और लास्ट डेटा में कॉमा नहीं लगाना है, ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा अब देखो, अब एक चीज तो मैंने ये दिखा दिया कि एक टाइप का डेटा कैसे स्टोर किया जा सकता है, लेकिन मान लो कि मुझे सिर्फ एक आदमी का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसमें ग्रुप ऑफ आदमी का इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस क्लास के सारे लड़कों के इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ही का स्टोर किया, मैंने अपना किया है, ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ कि बाकी चीजें हटा देता हूँ, सिर्फ नेम और एज रखते हैं, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल सेम चीज डेटा फिट करने लगूंगा तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतने ही रखते हैं। और मैं आपको अब ये सिखाता हूँ कि किस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन बना सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले एज के बाद कोई भी डेटा नहीं है तो हमें ये कॉमा हटा देना, ठीक है, हटा दिए। अब मान लो एक क्लास का स्टूडेंट का हमें एक ग्रुप में डेटा रखना है, स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा अच्छे से, या एक काम करता हूँ मैं इसको सेव कर देते हैं, रहने देते हैं, अभी बाद में इसको यूज भी करना है। मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ नया फाइल student.json, ठीक है, अब हम लोग इसमें काम करते हैं, student.json में काम करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मुझे समझ लो कि तीन लोगों का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट का रखना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका काम क्या, कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ करना है, दूसरा काम नेम वैल्यू पेयर होता है तो उसी तरीके से करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट का इन्फो स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बाद
मल्टीपल स्टूडेंट स्टोर कर रहे हैं तो हमें किस में करना होगा, एक एरे में करना होगा। एरे कैसे बनता है, एरे बनता है स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फिर से कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पे नेम वैल्यू पेयर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेम, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विश्वजीत, ठीक है। और अभी हम लोग पहले कॉमा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज, एज, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है। एक लड़के का स्टोर हो गया इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एरे है तो अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉमा देकर सेम चीज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे दूसरे बंदे का इन्फॉर्मेशन स्टोर करता हूँ, मान लो अभी विश्वजीत नहीं अजीत है, तो मैंने अजीत कर दिया, यहाँ पे 22 कर दिया। ये देखो दो लोगों का इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया। सेम चीज अगर मैं और भी रिपीट करना चाहता हूँ तो इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके इसका नेम वैल्यू पेयर चेंज कर देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ राम, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ 27। ये स्टोर हो गया। अब लास्ट वाले कॉमा हटा देते हैं क्योंकि तीन ही डेटा स्टोर करना है। तो देखो आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का किस तरीके से जेसन डेटा में रखा गया है। मैं यहाँ पे अगर हल्का सा छोटा करूं फॉन्ट तो आपको सब कुछ एक बार में दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से हमने ग्रुप, यहाँ पे देखो हमने एक बंदे का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है, तो यही लेंथ आप यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से मैंने दो ही पैरामीटर स्टोर करके दिखाया, दो ही डेटा स्टोर करके दिखाया, ठीक है। और मल्टीपल स्टूडेंट का कैसे किया, हमने स्टूडेंट नाम का एक ये लिया नेम, और वैल्यू में हमने एक एरे लिया, एरे के अंदर फिर अब ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। ये अब इनको एक्सेस कैसे करते हैं, इससे डेटा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी बस हम लोगों ने ये सीखा है कि जेसन डेटा स्टोर कैसे होता है, अगर स्टोर करना है कॉन्फिग फाइल के लिए या फिर डेटा के लिए स्टोर करना है तो, ठीक है, जेसन डेटा लिखते कैसे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब जेसन डेटा हमें मिलेगा एपीआई से तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, या फिर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको जेसन डेटा बना के सर्वर पे कैसे भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यही देखेंगे।